आज मैं आपको बताऊंगा अपनी लास्ट मंथ यानी जुलाई मंथ की यूट्यूब पेमेंट के बारे में। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपनी यूट्यूब हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या आपको मुसीबतें बीच में आएंगी, क्या क्या आपको समझना है कि किस किस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों जो है वो बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ। दोस्तों जो मेरी यूट्यूब हिस्ट्री स्टार्ट हुई है वो हुई थी दोस्तों अगस्त 2016 से। जब दोस्तों मैं आपको पहली बता रहा हूँ, मुझे इतना सा भी नहीं पता था YouTube के बारे में कि YouTube है क्या और ये काम कैसे करता है। मेरे को बस पहले इतना पता था, एक साल पहले बस मैं ये जानता था कि YouTube से हम बस वीडियो देख सकते हैं जो भी हमारा मन चाहे। लेकिन दोस्तों YouTube मेरे को अगस्त में फिर एनालाइज हुआ कि YouTube से हम पैसा भी कमा सकते हैं, एक अच्छे यूट्यूबर भी बड़ी आसानी से हम बन सकते हैं, बस हमें दोस्तों पेशेंट चाहिए। वो पेशेंट दोस्तों बहुत कम लोगों के अंदर होता है, बिकॉज YouTube पे लोग चैनल तो बना लेते हैं लेकिन चैनल नहीं चल पाता। एक महीना हो जाता है, दो महीने हो जाते हैं, तीन महीने हो जाते हैं लेकिन दोस्तों चैनल नहीं चल पाता तो दोस्तों वो चैनल जो है हम बंद कर देते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि YouTube पे कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सोचना गलत है, YouTube सिर्फ एक पेशेंट की काम है। दोस्तों अगर मैं अपना बताऊँ तो जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो ऑटोमेटिकली मेरी जो फर्स्ट मंथ की अर्निंग थी वो $18 हो गई थी। तो उससे थोड़ा मुझे वो मतलब सुकून मिला कि हाँ, मतलब मेरे पहले मंथ में मुझे $18 मिले तो आगे भी मुझे बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। दोस्तों मैं और भी आगे काम करता रहा और दोस्तों जो मेरी पिछले मंथ की पेमेंट बनी है जुलाई की, वो बनी है दोस्तों $99.39, $100 में बस थोड़ा सा काम। तो दोस्तों इसलिए ये पेमेंट मुझे मिल नहीं सकती, बिकॉज $100 होने पे हमें पेमेंट मिलती है, लेकिन मेरी बनी है 99.39। उसमें भी दोस्तों मैं खुश हूँ, बिकॉज जितना मैं काम कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से $100 जो है वो बिल्कुल ही सही है। अब दोस्तों मैं आपको ही बताता हूँ कि आपको $100 का मार्क आप कैसे कंप्लीट करोगे। दोस्तों आप खुद अपने अंदर झांको कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपके अंदर जो टैलेंट है आप वही दिखा रहे हो या फिर कोई फेक जो बाकी सब दिखा रहे हैं वही आप डाल रहे हो। दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना, आपके अंदर जो है, अगर आप अच्छा सा गाते हो तो गाने वाले चैनल दोस्तों YouTube पे बहुत आगे चलते हैं। दोस्तों आप उन लाइंस में जाओ और आपको बहुत सारे वहाँ पे व्यूज़ मिलेंगे, बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे मिलेंगे जो आपको पसंद करेंगे। और दोस्तों बस मैं यही कहूँगा कि YouTube को आप एनालाइज़ करो, YouTube को जितना एनालाइज़ करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। पहले दोस्तों मुझे भी कुछ नहीं पता था, सच में मैं बिल्कुल ही ऐसा था कि बस YouTube पे चैनल तो बना लिया था लेकिन ये नहीं पता था कि इस पर मैं क्या डालूँ, कैसे डालूँ, टैग क्या होता है, टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये कुछ भी नहीं पता था मुझे। अच्छा लोगो नहीं था, अच्छा कुछ भी नहीं था मेरे पास। और दोस्तों बस धीरे धीरे फिर मैं एनालाइज़ करता गया कि YouTube पे चल क्या रहा है, YouTube पे हो क्या रहा है। बस आपको यही एनालाइज़ करना है और पेशेंट रखना है। आप, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, आप 5 या 6 महीने ऐसी मेहनत कर लो और एनालाइज़ करते रहो YouTube पे आप क्या हो रहा है और अब क्या हो रहा है। दोस्तों अगर आप ये चीज़ एनालाइज़ जिस दिन करना सीख जाओगे उस दिन आप YouTube पे ग्रो करना सीख जाओगे। दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है थोड़ी सी अच्छी लगी हो। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर टैप ज़रूर कर देना। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।